बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। साडी दुआ कि साडे बहन भी अल्लाह ताला खुश रखे, शादो आबाद रखे। इसे दुआ ना करदे अज दी वीडियो शुरू। अज दी वीडियो कुछ इस तरह जी, अज मस्जिद पहुंचे हुए हैं और मस्जिद दा अल्हम्दुलिल्लाह काम साडा शुरू हो रहा होया जी। अज मिस्त्री भाइयों का पहला दिन बुनियादा के उपर वाली साइड ते जी, और काम साडा शुरू होने लगे इंशाल्लाह। जल्ला खैर करे अल्लाह पाक दा घर बनाउण लगे हैं जी। इहदे विच सारे बहन भी अगर रिक्वेस्ट है कि अज जिन्नियां फैमिलियां मैनूं सपोर्ट करन वालियां ना जी, जिन्होंने पहले उस मस्जिद में उधर ही सानू सपोर्ट किया और इस मस्जिद में भी उन्होंने रिक्वेस्ट है कि सारे ने एक एक ट्रैली इट की जी देनी है जी, सीमेंट और इट की ट्रैली सारे ने देनी है, एक ताकि मस्जिद का साडा जिहड़ा काम है ना जी ये स्टार्ट हो सके। तकरीबन साडा आइडिया यही है कि साड़ी 40,000 इट लगनी है जी, 10 चौका 40, अगर 4,000 की ट्रैली आएगी तो 10 ट्रैलियाँ आनी, अगर 5,000 की आएगी तो 7,000 फिर घट इट आनी है जी। 5,000 की ट्रैली भी आँदी है और 4,000 की भी आँदी है जी। किसी ने 4,000 वाली ट्रैली देनी है उन्होंने भी मर्जी, किसी ने 5,000 इट की ट्रैली देनी वो मर्जी जी। लेकिन इस टाइम हमने साडा काम शुरू हो रहा होया, सारे अंग रिक्वेस्ट है सीमट बजरी रेत हर चीज़ की जरूरत है मस्जिद में जी, और सारे बहन भी अंगे ज़्यादा से ज़्यादा रिक्वेस्ट है कि मस्जिद का काम शुरू हो चुके है और मस्जिद के काम के सारे मिलजुल के अपना अपना हिस्सा जरूर पाना जी। स्टार्टिंग अगे अगे फिर इंशाल्लाह निज़ाम साडा चलता रहेगा जी, और काम शुरू आ जी। जो भी तरतीब हैगी काम दी नाल अपने बहन भी शेयर कर दी। बुनियादा सारिया साफ हो गई हैं जी, बुनियादा साफ करके उस तो बाद इट उपर वाली साइड तो आ गई हुई है जी। सब तो पहले चनाई लगन लगी है बैक साइड वाली दीवार की, ऐ वाली दी चनाई लगाने, यदि चनाई लगा के फिर बैक साइड की उधरली वाली चार दीवारी दीवार के बाद चनाई लगेगी। पहले मस्जिद वाली दीवार की चनाई लगेगी, बाद चौदी चनाई लगेगी जी, और इट उपर आ चुकी हुई है। तो जोड़े मिस्त्री और मजदूर आए हैं वो भी अपने बहन भी शेयर करते हैं कि मिस्त्री और मजदूर किड़े किड़े इतने आए मस्जिद के बीच। देख सकते हैं सारिया नीह यदि बहुत मजबूत भरिया जी, थले वाली साइड तक बीम पाया, बीम भरया नीचे वाली साइड पर, फिर उपर वाली साइड पर प्लेंथ बीम भरया, फिर उपर वाली साइड पर यह वाला बीम रख के यह वाला तेगा भरया हुआ। उपर वाली साइड पर 18 का तेगा भरया हुआ जी, तेगा 18 का भरया हुआ वा, और उपर हम इस उपर चनाई जी 9 इंच लगेगी जी, सारी चनाई 9 इंच लगेगी सारी। और यदा मीनार दूसरे मीनार नहीं बनने जिमें उस मस्जिद में लाए थे जी, इस मस्जिद का जोड़ा मीनार ये नालों नाल ही बन के जाना, यदा सरिया और यदा पोजिशन तैयार है इधर वाली साइड का। अच्छा जी, लेबर आ चुकी है जी और खान भाई भी आ गए हुए जी। कल सुना भाई जमशेद खान, बाबे का सुना बाबा ठीक है, गोभी खान, आलू खान सारे मसले ठीक है, सब ठीक है। चलो सही है जी, लेबर आ चुकी है, लेबर के बच्चे खान भाई 3 जने आए हैं जी, और मिस्त्रियों के अभी फिर साढ़े को उस्ताद यासीन आए हैं जी। तो यासीन सुनाओ जी, माशाल्लाह जी अल्हम्दुलिल्लाह, क्या हाल है, ठीक ठाक हो, कैसी जिंदगी गुजारी, और इस मस्जिद विच ए वाले जड़े हैगे जी हफसब, हफसब सुनाओ जी की हाल चाल है, ठीक ठाक हो जी, जबरदस्त। अच्छा हफ जी, मस्जिद का काम माशाल्लाह शुरू हो रहा जी, और साढ़े देखने वाले भैन भी की पैगाम दोगे जी? पैगाम ये कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मस्जिद के अंदर चलकर आना भी सदका है। माशाल्लाह, देखिए कि अगर चलकर एक आदमी आ रहा है तो उसके लिए हुजूर ने फरमाया कि जो कदम एक बढ़ा रहा है तो वो भी सदका है। तो मैं उनको मुबारकबाद देना चाहता हूँ कि जिन्होंने अल्लाह के घर को आबाद करने का सोचा या उनके साथ तआमुन किया, और अल्लाह तबारक व तआला मज़ीद उनके घर में उनके कारोबार में मज़ीद बरकतें और तरक्कियाँ अता फरमाए। और एक हदीस मुबारक का और मफहूम है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसने अल्लाह के घर को बनाया या अल्लाह के घर को आबाद किया तो फिर अल्लाह तबारक व तआला भी उनके घरों को आबाद करने का ज़ामिन है। मतलब यह है कि अगर कोई अल्लाह का घर बना रहा है तो फिर उनके घरों का सुकून भी अल्लाह के ज़िम्मे चला जाता है, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके घरों में बरकतें और रहमतें नाज़िल फरमाता है। और काम सारा शुरू है जी माशाल्लाह, जी जी माशाल्लाह, और हफ साहब ने दस दिता जी, तआवुन कीता है बिल्कुल जी। अगे माशाल्लाह उधर मस्जिद हफ जी बना के आए, तुम देखी होनी मस्जिद बड़ी खूबसूरत मस्जिद, बड़ी प्यारी मस्जिद, बड़ी प्यारी मस्जिद बनाई है जी। तो इंशाल्लाह ये भी तुम मस्जिद कोशिश कर रहे हैं कि इंशाल्लाह
सोहनी और अच्छी मस्जिद बना के देवे अल्लाह पाक का घर जिन्ना हो सकया उन्ना खूबसूरत करके बनावे जी, ताकि अगले जहान अल्लाह पाक साढ़े घर भी इस तरह ही खूबसूरत बनाए जी। और तैयारी हो चुकी है जी काम की, डोरी वगैरह खोलते पे है साधन, जिदा डोरी वगैरह खोलती है तो उस तो बाद फिर अपना काम शुरू करते पे हैं जी। इन घर को आबाद करने में किसी तरह का भी कारण अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा। रब्बुल आलमीन किस किस वजह से उनको दारैन की शक्ति फरमा। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने तेरे घर को आबाद किया मालिका उनके घरों को आबाद फरमा। रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने तुम्हारे घर को आबाद किया बनाने की कोशिश की या जिस तरह का भी काम किया या रब्बुल आलमीन उन तमाम मामले को कबूल व मंजूर फरमा। या रब्बुल आलमीन उनको दारैन की खुशियां नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिस तरह का भी इस मुल्क से जिन्होंने तामन किया बरूनी मुल्क से तामन किया, या रब्बुल आलमीन जिस तरह का दुनिया के किसी कोने से जिन जिन लोगों ने तावन किया या रब्बुल आलमीन उनके उनके हक में हम दुआ करते हैं मालिका उनको दुनिया और आखरत की खुशियां नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनको दुनिया के अंदर भी जिंदगी इज्जत की जिंदगी नसीब अता फरमा और आखरत में भी इज्जत अता फरमा। या रब्बुल आलमीन जिन लोगों ने भी या रब्बुल आलमीन तेरे घर को आबाद किया मालिका दोबारा उनके हक में दुआ करते हैं मालिका उनके घरों को आबाद फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके घरों में अपनी खुसूसी रहमत नाज़िल अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके घरों को आबाद फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके घरों में इत्तेहाद नसीब अता फरमा। या रब्बुल आलमीन अगर उनके घरों में किसी तरह की कोई परेशानी है मालिका उस परेशानी से निजात अता फरमा। या रब्बुल आलमीन उनके घरों में खसूसी करम नवाजी फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन आमीन दुआ हो गई है जी। बाकी सारे भैन भी रिक्वेस्ट है कि जिन्हें सानू सपोर्ट करने वाले देखने वाले आ कि एक दफ़ा सारे मेरे बेशक दो फैमिलियाँ मिल के बेशक एक किट मिल के एक एक किट की ट्रैलियाँ 10 ट्रैलियाँ दस एक दम 10 ट्रैलियाँ सानू गुजाइश है साढ़े को सू 10 ट्रैलियाँ एक दिन हुई है जी। तो बाकी नाल नाल एक भी और बड़ी हर चीज़ की जरूरत है। जिस टाइम अल्लाह पाक का घर बन रहा होंदा ना जी उस टाइम अगर पैसे दिते जाने अल्लाह दी राह दे विच ते फिर होर नहीं उत्थे इस्तेमाल हो जाते हैं जी। इस वास्ते सारे भैन भी रिक्वेस्ट है कि जिन्हें जिन्हें ने मस्जिद में हिस्सा पाना वो अपने मस्जिद में हिस्सा पा के ते अल्लाह पाक का घर बनाने सारे जरूर हेल्प करें जी। अलहमदुल्ला काम साढ़ा शुरू है जी और इट नूं पानी शानी लग रहा होया जी। और इस साइड दी इह बैक साइड वाली जिहड़ी दीवार सीगी इह लग चुकी है जी। और दीवार लगा के सामने मेहराब वाली जी जगह इतों छड़ दिती है ताकि ये तो डैम पैगा और इस जगह तो इस टाइम स्लैब पैगी मेहराब वास्ते तो ये उत्ते वारा के बराबर हो जाएगा जी। यह एंड वाले वार है जी बुनियादा के एंड वाले वार इतने लग चुके हैं। और इधर वाले जोड़े मकान है तो बहुत नीवे पै हुए इधर वाली साइड के महला मेरे भैन भी देख ही सकते हैं कि काफ़ी बड़ा महला है जोड़ा जी। जिदा जिदा छत जावे फिर उस उस तरह दिखाया करांगे कि कितना बड़ा महला है जोड़ा। और काम माशाल्लाह शुरू हो चुके हैं जी। आज की वीडियो दे रिक्वेस्ट कर रहे हैं अपने भैन भी अगे कि मस्जिद का काम असं दूसरी का शुरू कर दिता है जिदा कि तकरीबन 2 से 3 महीने पहले रमज़ान के भी इफ्ताह होया इस मस्जिद का भी जी। तो अज दोबारा उपर आ के दोबारा काम शुरू किया गर्मी थोड़ी जी घटी है तो इस भी हम काम शुरू करिए उपर वाली साइड का कि नमाजी तंग बहुत होंगे इन्हों मस्जिद नाल नीवी बहुत जिस टाइम बारिश आँदी है 3-4 दिन नमाज नहीं पढ़ होंगी पानी खड़ा रहता बिच। और खान भाई यह फड़ ना लगाओ जे ये फड़ बाद में लगाएंगे जब इसके अंदर फिलिंग पूरी हो जाएगी ठीक है ना। अच्छा भाई यहाँ से एक और काम करना है आपने। क्या काम करना है? कूलर जे छोटा है ये वाला। ये वाला कूलर है छोटा बहुत ज्यादा। अच्छा पूरी आधे घंटे के बाद खाली हो जाता है कूलर पानी खत्म हो जाता है। अगर भाई बहन ने जो कूलर देखा वीडियो में देखा हो ये कूलर है छोटा हम लोगों का हो नहीं सकता क्योंकि कल से मजदूर और भी आ जाएगा मिस्त्री भाई भी आ जाएगा तो मेहरबानी कर देना कूलर ला के। ये कूलर बड़ा चाहिए ये छोटा है कूलर वाकई ये कूलर छोटा है इसमें 10-15 ग्लास पानी आता होगा बस। चलो ठीक है कोशिश करते हैं अगर कूलर के किसी बहन भी पैसे दिए तो वो आपको कूलर लेके देते हैं मस्जिद में क्योंकि पानी तो ऑलरेडी लेबर ने पीना ही है ना। गर्मी बहुत ज़्यादा है 5 मिनट के बाद आदमी को प्यास पानी का लग जाता है। पानी तो ऑलरेडी पीना ही है। और
काम चल रहा है जी। अज यह वाली दीवार दूसरी लग रही हुई है, अल्लाह खैर करे। यह वाली दीवार साड़ी फाइनल है और यह वाली दीवार लग रही हुई है जी। और कल में दोबारा अपने बहन भी खिदमत दोबारा होवेंगे हाजिर। इस वीडियो से कर दें अज्जे का इतने एंड। खुदा हाफिज़।